नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। आज बात हो गई सन ऑफ बिहार के नाम से मशहूर यूट्यूबर मनीष कश्यप की, क्योंकि मनीष कश्यप इन दिनों खूब चर्चा में है। आलम यह है कि पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया साइट ट्विटर पर भी ट्रेंड कर रहे हैं। दरअसल मनीष कश्यप अपने यूट्यूब चैनल सच तक के माध्यम से बिहार समेत देश के अलग अलग राज्यों का वीडियो जो है वो शेयर करते हैं, और इसी बीच हाल ही में मनीष ने तमिलनाडु में बिहारियों के साथ हिंसा मामले को लेकर के भी एक अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो जो है वो बकायदा शेयर किया था, हालांकि जिसे पुलिस ने फेक वीडियो बताते हुए मनीष कश्यप के खिलाफ FIR दर्ज की है। जिसके बाद जहां मनीष कश्यप पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, वहीं बिहार में सियासी बयानबाजी भी पूरे शबाब पर है। आखिर क्या है ये पूरा मामला और मनीष कश्यप कैसे रहते हैं, क्यों वो लगातार बिहार सरकार के पीछे पड़े रहते हैं? बेहतर होगा कि मनीष कश्यप से ही हम ये पूरी बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ न्यूज इंडिया पर एक्सक्लूसिव मनीष कश्यप यूट्यूबर जो है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष कश्यप, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक हमने सुना था और देखा था कि यूपी में काबा, लेकिन जब मनीष कश्यप का नाम सामने आता है, चेहरा सामने आता है, तो हर कोई जानना चाहते कि भाई बिहार में काबा, आखिर मनीष कश्यप को दिक्कत क्या है बिहार से? बिहार में जंगल राज बा, और जंगल राज के राजकुमार तेजस्वी यादव जी सारा पत्रकार लोगों के ऊपर जो है FIR करवा के उन्हें चुप कराना चाहते है। तो बिहार में जो है जंगल राज अभी अभी वर्तमान समय में है। तो पत्रकारों की स्थिति जो है सिर्फ बिहार में है मनीष जी? पत्रकारों की स्थिति बिहार में वर्तमान समय में इसलिए खराब है क्योंकि जब बीजेपी और जदयू की सरकार थी तो मैंने 1000 वीडियो बनाया है और सरकार से सवाल पूछा है। उत्तर प्रदेश में मैंने कम से कम 100 से ज्यादा वीडियो बनाया है और योगी आदित्यनाथ जी से सवाल पूछा है। देश के दूसरे कोने में जाके मैं वीडियो बनाता हूँ, सवाल पूछता हूँ, लेकिन जब से तेजस्वी यादव जी आए हैं और उनसे मैंने 5 वीडियो बना के सवाल क्या पूछ दिया, उनको बुरा लग गया और उन्होंने FIR करा दिया। तो इसलिए अब पूछना ही पड़ेगा कि तेजस्वी यादव जी बिहार में का जंगल राज बा? अगर जंगल राज नहीं थे तो बिहार में पत्रकारों के ऊपर FIR क्यों हो रहा है? तो मनीष कश्यप क्या इसी वजह से ये कहते हुए नजर आए, और हमने सुना भी कि 2025 आते आते आप जो है तेजस्वी यादव को भी हटा देंगे, बिहार सरकार को भी बदल देंगे? देखिए, तेजस्वी यादव जी किस बेसिस पे मुख्यमंत्री बनेंगे? क्या बिहार एक और बदनामी झेलने के लिए तैयार है? एक बार एक महिला बिहार की मुख्यमंत्री बनी थी जिनको सिग्नेचर करने तक नहीं आता था, उस समय बिहार पूरे देश में खूब बदनाम हुआ। अब जो है आधुनिक जो दौर में डिजिटल जमाने में जो नौवा फेल आदमी है उसको बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा तो क्या आप अपने न्यूज चैनल पे उस व्यक्ति का गुणगान कीजिएगा? नहीं कीजिएगा। ज्ञान की भूमि, तप की भूमि, त्याग की भूमि बिहार जो है मजदूरों का राज बन गया और उसके लिए एक राजनीतिक परिवार दोषी है, और वो राजनीतिक परिवार अपने बेटा को जो है 10th नहीं पास करा पाया, 12th नहीं पास करा पाया, ग्रेजुएशन नहीं करा पाया। दोनों आदमी मुख्यमंत्री रहे हैं, पहला ऐसा व्यक्ति है तेजस्वी यादव जी जिनके माता पिता दोनों मुख्यमंत्री रहे जो नौवा फेल हो गए, जो क्रिकेट खेलने गए तो वहां पे फेल हो गए और बिहार का उप मुख्यमंत्री बन के अभी बिहार को बर्बाद कर रहे हैं। उनको 2025 में हम लोग कैसे मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं? तो लेकिन आपकी इन सब बातों पर जो बातें आप कह रहे हैं, आपके मुताबिक आप बिहार का भला चाहते हैं, आप बिहार की अच्छाई के लिए सोच रहे हैं और बिहार की जनता आप कहते हैं कि देख भी रही है कि आपके साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन आपकी इन सब बातों पर बिहार पुलिस को यकीन क्यों नहीं हो रहा, क्यों वो एक के बाद एक आपके खिलाफ FIR दर्ज कर रही है? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बिहार पुलिस अब बिहार पुलिस नहीं है वर्तमान समय में, बिहार पुलिस तेजस्वी यादव की पुलिस है। आप एक बार जाइए, बिहार पुलिस ने जो मेरे खिलाफ ट्वीट किया है आप जाके देखिए उस ट्वीट पे लोगों ने क्या रिएक्शन दिया है। बिहार पुलिस ने जो फेसबुक पे मेरे खिलाफ पोस्ट किया है उस पोस्ट का कमेंट पढ़िएगा तो आपको हंसी आएगा। अच्छा ठीक है, चलिए, आपने ट्विटर का जिक्र किया, इस वक्त आप ट्रेंड भी कर रहे हैं वहां पर, एक आपकी तरफ से भी ट्वीट किया गया था सर, और वो जो ट्विटर आईडी थी मनीष कश्यप
सन ऑफ बिहार उसमें लिखा हुआ था, लेकिन उस ट्विटर में साफ साफ ये लिखा हुआ है कि मुझे खुशी है मैं अपने बिहार वासियों के लिए जेल जा रहा हूँ, कल रात्रि 8 बजे करीब मुझे गिरफ्तार किया गया और बिहार की जनता देख रही है कैसे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वालों को जबरन दबाया जाता है, मैं ना रुका था ना रुकूंगा, वापस आऊंगा जल्द ही, जय हिंद। बकायदा आपके हाथ में हथकड़ी भी दिखी जो लगाते हुए दिखे, लेकिन कहा गया कि वो तो आपकी तो गिरफ्तारी हुई नहीं, तो वो क्या था, समझाएंगे सर कुछ? वो एक फर्जी अकाउंट जो है मेरे नाम से बनवाया गया था और किसी ने साजिश के तहत बनाया था, 3 साल पुराना मेरा फोटो जो है उसमें डाला गया था और फोटो डाल के जो है पोस्ट कर दिया गया था, मेरे ऊपर FIR हो गया और उस पर से उस अकाउंट को फेक अकाउंट नाम बदल दिया गया। अगर कल कोई फोटो एडिट करके मेरे हाथों में हथियार थमा के फेसबुक पे डाल दे कि अब मेरे हाथों में हथियार है और मैं जा रहा हूँ पाकिस्तानियों को गोली मारने, आतंकवादियों को गोली मारने, तो क्या ये बात सही है? नहीं सही है। कल अगर मेरे हाथ में हथियार थमा के बोल दे कि मनीष कश्यप जो है नक्सलवाद के रास्ते पे निकल गया, तो क्या ये सही है? नहीं है। बिहार पुलिस इतना असक्षम कैसे हो गया समझ में नहीं आ रहा है, जिसको जो है वो IP एड्रेस पता करना चाहिए था, जिसको उस ट्विटर अकाउंट के बारे में पता करना चाहिए था और जो फर्जी मैसेज फैला रहा है उसके ऊपर FIR करना चाहिए था। नरेंद्र मोदी के नाम पे मैं आज ट्विटर अकाउंट बना दूं और उनके नाम से मैं पोस्ट कर दूं तो नरेंद्र मोदी जी पे FIR होगा। तेजस्वी यादव के नाम पे अनेकों ट्विटर जो है वो चलता है, फेसबुक पेज चलता है और उल्टा सीधा वहां से पोस्ट होता है, तो क्या तेजस्वी यादव पे FIR होगा? इतना तो बिहार पुलिस को समझ में आना चाहिए। लेकिन बिहार पुलिस की इसमें कोई गलती नहीं है, बस सत्ता के सिर्फ सिंघासन पे बैठा आदमी अगर अंत हो जाए तो ठीक है। लेकिन इस मामले के अलावा भी आपके ऊपर तो पहले से भी कई मामले दर्ज है, उनकी सच्चाई क्या है? देखिए मुझे आपने अपनी बातों को रखने का मौका दिया, इसके लिए मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद देता हूं कि नेशनल न्यूज चैनल पे एक छोटा सा मनीष कश्यप छोटे से गांव से आने वाला लड़का को बोलने का मौका मिला। पहला मेरे ऊपर FIR हुआ जब ट्रेन टाइम पे नहीं चलता था, बेतिया से लोगों को दिक्कत होता था, पटना में इलाज कराने में दिक्कत होता था, पटना में ट्रेन को 11 बजे पहुंचना चाहिए था, पटना में ट्रेन पहुंचता था 3 बजे, OPD में इलाज नहीं हो पाता था, इमरजेंसी में इलाज नहीं हो पाता था, उसके लिए हम लोगों ने आवाज उठाया तो एक FIR हुआ मेरे ऊपर। कब की बात है ये सर? दूसरा मनीष जी कब की बात है ये? मूर्ति मैंने तोड़ा था, अंग्रेज का मूर्ति तोड़ा था, ऐसा ऐसा आरोप है मेरे ऊपर। नहीं ये कब की बात है जो है सर, ये कब की बात है, कितने साल हो गए? ये सब 3 साल से ज्यादा हो गया, 3 साल से ज्यादा, 3 साल से ज्यादा हो गया। तो तब भी जो बिहार की पुलिस थी, तब भी वो जो बिहार की पुलिस थी वो तेजस्वी यादव के कहने पे काम कर रही थी। देखिए उस समय जो है 443 बच्चों के भविष्य के लिए मैं लड़ा था, स्कूल का प्रिंसिपल ने रजिस्ट्रेशन 443 बच्चों का नहीं कराया था और जब मैं लड़ा तो स्कूल का प्रिंसिपल ने मेरे ऊपर FIR किया। उस समय सरकार नीतीश कुमार जी की थी, उस समय जो है मेरे साथ इंसाफ हुआ। स्कूल का प्रिंसिपल अगर मेरे ऊपर FIR कर दे तो नीतीश कुमार की क्या गलती, उस समय भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की क्या गलती? लेकिन वर्तमान समय में जो है जो हो रहा है, मतलब कुल मिलाकर के जब बीजेपी साथ थी बिहार के, सर एक मिनट मनीष एक मिनट में रोकना चाहूंगी आपको, जब नीतीश कुमार के साथ बीजेपी थी तब आपके खिलाफ अगर मामले दर्ज हुए, तब आपके खिलाफ अगर FIR दर्ज हुई, तब अगर पुलिस ने आपको रोकने की कोशिश की तो बिहार में सब कुछ चंगा से, सब कुछ बिहार में बाहर थी, लेकिन आज क्योंकि बीजेपी नहीं है साथ, तो क्या इसीलिए बिहार की पुलिस जो है वो तेजस्वी की हो गई? नहीं, इस चीज को समझने की जरूरत है जी, समझाइए। पहले भी FIR, दूसरे सरकारों से भी मैंने सवाल किया है, बीजेपी की जब सरकार थी मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री थे तो अस्पताल में घुस घुस के मैंने वीडियो बनाया, एम्बुलेंस पे चढ़ चढ़ के वीडियो बनाया, लेकिन उस समय मुझे लगा कि सरकार जो है FIR नहीं करवा रहा है। और अभी जो है जहां पे बिहार के मजदूर तमिलनाडु में मार खाए हैं, वीडियो वायरल हुआ है, रेलवे ने भी वीडियो ट्वीट किया है, प्रशांत किशोर ने वीडियो ट्वीट किया है, पप्पू यादव ने, चिराग पासवान ने इस बात को माना है, बिहार के नेता मान रहे हैं, बिहार विधानसभा में हंगामा हो रहा है, उन लोगों पे FIR ना होके मनीष कश्यप पे FIR हो रहा है, तो मैं तो यही समझूंगा ना कि तेजस्वी यादव जो युवा है, मैं भी युवा हूं और मुझे वो दबाना चाहते हैं, ये नहीं चाहते कि बिहार में कोई युवा आगे आए।
तो मनीष केशव जो है अपने यूट्यूबर की दुनिया किस तरीके से आगे बढ़ाते हैं सर, जो आप ट्वीट करते हैं, आप जो वीडियोस बनाते हैं, जो आप यूट्यूब पर अपलोड करते हैं, तो आप जगह जगह जाकर के, या आप जो आपने अभी मजदूरों का जिक्र किया, वहां पर जाकर के सच्चाई जानने की कोशिश की, क्योंकि कुछ वीडियोस उन्हीं मजदूरों के ऐसी भी आई थी जो ये कह रहे थे कि ये सब कुछ भ्रामक वीडियोस हैं जो फैलाई जा रही हैं जानबूझ करके, और पुलिस ने भी आपके खिलाफ एक्शन इसी ने लिया। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जो है नेशनल न्यूज चलाती हैं, आप लोगों के पास संसाधन की कमी नहीं है, पूरा देश आप लोगों को सुनता है देखता है। प्लीज मुझे दोषी ठहराने से पहले आप लोग एक बार बिहार जाइए, बिहार के लोगों से पूछिए। मनीष केशव जी, आप दोषी हैं कि नहीं है, ये काम पुलिस का है, प्रशासन का है, मैं तो सिर्फ आपका सच जनता तक पहुंचाना चाहती हूं। अगर बिहार के मजदूर कह दे कि मैं मार नहीं खाया हूं, मनीष कश्यप जो है पत्रकारिता करना छोड़ देगा, मैं वादा करता हूं। लेकिन अगर बिहार के मजदूर कहें कि मैं मार खाया हूं, तो क्या इसका सजा जो है तेजस्वी यादव को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आप बताइए, अगर मैं गलती करूं तो मेरे ऊपर FIR, और तेजस्वी यादव गलती करे तो उनको जो है FIR नहीं। तो वो जो मजदूर है जिन्हें आप कह रहे हो, उनका सपोर्ट मिल रहा है आपको पूरा? मनीष, उनका सपोर्ट मिल रहा है आपको पूरा? जो मजदूर है वो आपके साथ है? 90% लोग मेरे साथ हैं, 90% लोग मेरे तो साथ हैं, और वो आपके साथ खुलकर क्यों नहीं आ रहे? देखिए आप ये कह रहे हैं आपके साथ अन्याय हो रहा है, पुलिस इतने एक मामले दर्ज कर रही है, कल को कुछ भी हो सकता है आपके साथ, तो वो सब लोग आपके समर्थन में आगे क्यों नहीं आ रहे? क्यों वो पुलिस को सच्चाई नहीं बता रहे कि हाँ जो मनीष कश्यप कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं? उनको क्यों फंसाया जा रहा है? क्यों वो आपके समर्थन में आगे नहीं आ रहे? नहीं लगता आपको कि ये वक्त है उन सबको आना चाहिए आपके साथ, सपोर्ट में खड़ा होना चाहिए, ताकि आपकी मुश्किलें भी कम हो? देखिए मैडम, सभी लोग समर्थन में आगे आ रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हम लोग नेता नहीं है कि हम लोग लोगों को कह दे कि धरने पे आप लोग बैठ जाइए। जहां पे उन लोगों को समर्थन करना है कर रहे हैं, सोशल मीडिया हो तो, वीडियो बनाना हो तो, ट्विटर पे हो तो, हर जगह समर्थन कर रहे हैं, और वो लोग मेरे साथ खड़े हैं, और मुझे उम्मीद है कि ये लड़ाई हम लोग जीतेंगे, और बिहार के मजदूरों पे चर्चा होगा, बिहार के मजदूरों के लिए आयोग बनेगा, और बिहार के बेरोजगारों के ऊपर चर्चा होगा। बिहार में मैडम 2.5 साल यूनिवर्सिटी का सेशन लेट है, हिंदुस्तान अखबार के खबर के मुताबिक 60,000 बच्चों का एग्जाम छूट गया है अभी 2-3 दिन पहले। सब चीजों के लिए कौन है दोषी? बिहार के शिक्षा मंत्री इन सब चीजों पे चर्चा ना करके जो है दूसरा बखेड़ा खड़ा करते हैं, और यही सब चीजें मैं आवाज उठाता हूँ ना, तो मेरे ऊपर जो है FIR पे 3 FIR हुआ है मेरे ऊपर पिछले 7 दिनों के अंदर। इन सबके बीच एक बात जो निकल कर सामने आई वो ये मनीष केशव कि आपको बीजेपी का समर्थन मिल रहा है, क्योंकि बीजेपी के कई लीडर्स ऐसे हैं जो आपकी सपोर्ट में आए हैं, तो ये उन लोगों के सपोर्ट आने की वजह से, बीजेपी के सपोर्ट में आने की वजह से आपको लग रहा है कि आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, आपको इंसाफ मिलेगा, क्योंकि बीजेपी भी आपके साथ इस लड़ाई में खड़ी है? नहीं, मुझे इस देश के प्रधानमंत्री पे भरोसा है, मुझे इस देश के गृह मंत्री पे भरोसा है, मुझे इस देश के राष्ट्रपति पे भरोसा है, मुझे इस देश के संविधान पे भरोसा है। हम लोग संविधान का मजाक उड़ाने वाले लोगों में से नहीं है, हम लोग वो लोग हैं जो अपने देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री और संविधान पे भरोसा करते हैं, और हमें पूरा भरोसा है कि मैं सही हूं और मेरे साथ इंसाफ होगा, और सही लोग मेरे साथ खड़े रहेंगे, और जो लोग जो है बेवजह किसी पार्टी के एजेंडा को आगे चलाना चाहते हैं, जो लोग पत्रकारों को दबाना चाहते हैं, वो लोग मेरा खिलाफ करेंगे। नेहा सिंह राठौर, आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, उनको जो है यूपी पुलिस ने FIR नहीं किया था उनके ऊपर, सिर्फ नोटिस दिया था। उन्होंने कहा था अपने गाने के माध्यम से कि बाबा तहर डीएम बड़ा रंगबाजबा, मतलब कि डीएम को उन्होंने रंगबाज कहा था, तो पुलिस ने पूछा था कि आपने ऐसा क्यों कहा, सिर्फ नोटिस। अब उनके नोटिस से पुलिस संतुष्ट हुई और उनके ऊपर FIR नहीं किया गया। बिहार पुलिस मेरे को नोटिस देता पहले, पूछता। आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपके वीडियो से कोई दिक्कत थी तो आपको पहले नोटिस दिया जाता, सीधा FIR दर्ज नहीं की जाता? लेकिन सबसे पहले FIR करो। बिहार की राजधानी पटना में अभी 10 दिन पहले पार्किंग के विवाद में 50 राउंड गोली चला। ये अपराधियों का मनोबल बिहार में इतना हाई है, इतने सारे लोगों की हत्याएं हो रही है, उस पर कोई मतलब नहीं है। मनीष कश्यप को पकड़ो, पत्रकारों को दबाओ, पत्रकारों का मुंह दबाओ, कहीं नहीं तो कहीं बिहार सरकार जो है सोची समझी साजिश। और नीतीश कुमार जी तो कहते हैं कि अब तेजस्वी सब कुछ देखेंगे, और तेजस्वी यादव सब कुछ करा रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर जब भी ईडी का रेड, इनकम टैक्स का रेड, सीबीआई का रेड हो रहा है, मेरे ऊपर एक ही तक केस हो जा रहा है। ठीक है, एक चीज और आपके बारे में भी पढ़ रही थी, तो मुझे वहां पर देखने को मिला कि जब पुलवामा अटैक हुआ आप कश्मीर भी गए,
कुछ छात्रों के साथ भी आपकी नोकझोंक की खबरें सामने आई थी, वो किस्सा क्या था? बहुत बढ़िया मैडम, आपने ये बोला कि नोकझोंक की खबरें आई थी। हाँ। और ये बात सही है कि नोकझोंक की खबरें आई थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ था। मेरे पिताजी इंडियन आर्मी में है, मेरे बड़े पापा इंडियन आर्मी में है, मेरे दादाजी इंडियन आर्मी में थे। अगर भारतीय सेना के जवान पे उत्तर प्रदेश में कोई पत्थर मारता है तो उत्तर प्रदेश के सारे लोगों का दायित्व बनता है कि पत्थरबाज को पकड़े। अगर भारतीय सेना के जवान पे अगर बिहार का कोई आदमी पत्थर मारता है तो बिहार के सारे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उस पत्थरबाज को पकड़े। हमारे 44 जवान शहीद हो गए थे पुलवामा अटैक के बाद। तो आप पत्थरबाज को पकड़ने गए थे कश्मीर? नहीं, मैं बता रहा हूं मैडम। हाँ। कश्मीर से आए हुए लोग जो है हमारे बिहार में आराम से रोजी रोटी कर रहे थे, कमा धमा रहे थे। मैं पटना में जाके उनसे पूछा था कि आप लोगों को यहाँ पे किसी भी तरीके का तकलीफ नहीं होता है, तो हमारे बिहार के जवान, हमारे देश के जवानों को जो है कश्मीर में पत्थरों का सामना क्यों करना पड़ता है? हमारे देश के जवान जो है बेवजह कश्मीर में क्यों शहीद हो रहे हैं? और यही बात था, इसके अलावा कुछ नहीं था। इसको अफवाह फैलाया गया और सीजीएम ने मुझे बेल दे दिया। वहां पे माननीय न्यायालय के सीजीएम कोर्ट ने मुझे बेल दिया, बकायदा वहां पे पुलिस ने आरोप उस वक्त आपके ऊपर ये भी लगे थे कि आपने हाथापाई भी की थी, आपने मारा था कुछ छात्रों को। नहीं नहीं नहीं, गलत बात है, छात्रों को नहीं, वहां पे दुकानदार है लहासा मार्केट में, उनसे बातचीत हुई थी, नोकझोंक हुआ था, उसके अलावा कुछ नहीं हुआ था। ठीक है, तो ये मनीष केशव जो इस वक्त न्यूज इंडिया के साथ मौजूद है, एक्सक्लूसिव बातचीत हो रही है, एज ए यूट्यूबर हमारे चैनल पर बैठे हुए हैं, क्या आने वाले वक्त में एज ए यूट्यूबर ही हमारी बात होगी मनीष केशव से, या फिर पॉलिटिक्स वगैरह में कहीं जाने का भी कोई इरादा है? आगे का प्लान क्या है? पॉलिटिक्स में जाने का मेरा वर्तमान समय में कोई इरादा नहीं है। मेरा सिर्फ और सिर्फ एक इरादा है कि बिहार को जो जंगल राज बनाने का प्रयास कर रहे हैं उनके खिलाफ मैं पहाड़ की तरह खड़ा हो जाऊंगा। और बिहार को जो बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जो भी लोग, जो भी नेता हो, चाहे वो चिराग पासवान हो, प्रशांत किशोर हो, पप्पू यादव हो, मुकेश सहनी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, या जो भी पार्टी हो जो बिहार को विकसित राज्य बनाना चाहता है, बिहार को आगे लेके जाना चाहता है, उसका साथ हम लोग देंगे। और जो बिहार को जंगल राज बनाने का प्रयास कर रहा है उसके खिलाफ हम लोग हैं। ठीक है, तो और जो साथ में वो जो लोग हैं जो गलत ट्वीट कर रहे हैं आपके लिए, उसके पीछे किसे मान रहे हैं आप? क्या मंशा हो सकती है आपके अगेंस्ट? इतने लोग कैसे हो सकते हैं? आप तो अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। देखिए, इन लोगों का यही साजिश है कि किसी भी हाल में लोगों को फंसाओ, लोगों को फंसाओ, लोगों को फंसाओ। 1990 से पहले बिहार जो है इस देश का टॉप 5 राज्यों में से एक था। 1963 में फोर्ड फाउंडेशन के अर्थशास्त्री ने बिहार के ऊपर एक सर्वे किया था संसद की कमेटी के द्वारा। उस समय विकास के मामले में बिहार एक नंबर पे और अर्थव्यवस्था के मामले में बिहार दूसरे नंबर पे। 1990 के बाद से जंगल राज शुरू हुआ और बिहार बर्बाद हो गया। और इन्हीं लोगों को जो है ना बुरा लग रहा है, मनीष सिर्फ सत्य बोल रहा है, तो यही लोगों के समर्थक मेरे नाम से फर्जी आईडी बना के और मेरे समर्थन में उल्टा सीधा पोस्ट करके और मुझे फंसा रहे। मुझे इस बात का भी डर है कि कहीं कल जो है बेवजह मेरे से बिना पूछे आंदोलन करेंगे, आगजनी करेंगे, तोड़फोड़ कर देंगे और FIR मेरे ऊपर हो जाएगा। तो मैं नेशनल न्यूज़, क्या लग रहा है आपको? आपको क्या लग रहा है जो अभी मौजूदा हालात है? आप लोगों को समझा रहे हैं कि लोगों को फंसाओ, लोगों को फंसाओ, लोगों को फंसाओ, लेकिन इस बीच मनीष केशव खुद फंसते हुए कितने नजर आ रहे हैं? मुझे तो पूरा फंसाया गया है। राजा रामचंद्र जी को भी फंसाया गया था, श्री कृष्ण को भी फंसाया गया था, अर्जुन को भी फंसाया गया था, लेकिन अर्जुन जीते थे, श्री कृष्ण जीते थे, राजा रामचंद्र जी जीते थे, और बिहार का लाल मनीष कश्यप भी जीतेगा अत्याचारियों के खिलाफ। और वादा करता हूं कि बिहार अब जंगल राज नहीं बनेगा। कब तक इस जंगल राज से, कब तक मनीष केशव मुक्ति दिला पाएंगे बिहार की जनता को? मैं नहीं, मेरे जैसे असंख्य लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं और वो सभी लोग मिलके जो है ना बिहार को जंगल राज से मुक्ति दिलाएंगे। लेकिन FIR तो सब आप ही के खिलाफ हो रही है सर, सबके सबके खिलाफ तो कुछ भी नहीं हो रहा बाकी और लोगों के? कितने लोग हैं अभी ऐसे बिहार के अंदर जो मनीष केशव के साथ खड़े हैं? छपरा कांड हुआ था 15 दिन पहले, उसमें भी जो है बहुत सारे पत्रकारों पे FIR हुआ था जो पत्रकार आवाज उठाए थे। इसके पहले भी बिहार में जो है जब से ये सरकार आई है लगातार अनेकों पत्रकारों पे FIR कर रही है। कुछ ग्रुप्स है बिहार में जिन्हें ये लग रहा है कि अब हमारी सत्ता जो है जाने वाली है। बिहार में गरीबों की बात करने वाले 90% नेता है, 90% जो सत्ता जाने के पीछे की वजह मनीष केशव एक यूट्यूबर तो नहीं हो सकता ना सर?
अरे मनीष मनीष, बिहार में सत्ता जाने की वजह एक यूट्यूबर मनीष कश्यप तो नहीं हो सकता, आपके पीछे क्यों सारे लोग पड़े हुए हैं? सत्ता जाने का कारण कुछ भी हो सकता है मैडम, एक हाथी जो है एक चींटी से परेशान हो सकता है, तो एक यूट्यूबर से जो है वो बिहार सरकार भी परेशान हो सकता है। जब एक छोटे से व्यक्ति से जो है वो करोड़ों अरबों का शेयर मार्केट डाउन हो सकता है, रोनाल्डो ने एक जो है कोको कोला बोतल हटा दिया, नीचे हटा दिया कर दिया था तो कोको कोला का हालत खराब हो गया था। तो सबको पता है कुछ भी हो, लेकिन बिहार में 2025 में जंगल राज को बढ़ावा देने वाले लोग जो है वो सत्ता के शीर्ष सिंहासन पे काबिज नहीं होंगे, ये मेरा वादा है। चलिए बिल्कुल, उम्मीद करते हैं आपकी भविष्यवाणी सच भी साबित हो जाए, कम से कम 2025 आता है बिहार वासियों को कुछ तो राहत मिले। तो हमारे साथ मनीष केशव यूट्यूबर जुड़े हुए थे, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष केशव इस तमाम बातचीत के लिए और खास बातचीत और अपनी बात तमाम लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो आपने सुना, ये थे यूट्यूबर मनीष केशव जो इस वक्त ट्विटर पर भी ट्रेंड कर रहे हैं, और वजह है इस बार बिहार सरकार पुलिस जो इनका आरोप है कि इनके पीछे पड़ी हुई है, कई FIR इनके खिलाफ जो है वो दर्ज किए जा चुके हैं, लेकिन मनीष केशव लगातार ये कह रहे हैं कि वो बेकसूर है, उन्हें फंसाया जा रहा है।